दस महाविद्याएं। सप्तम, धूमावती। धूमावती देवी महाविद्याओं में सातवें स्थान पर परिगणित हैं। इनके संदर्भ में कथा आती है कि एक बार भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर बैठी हुई थी। उन्होंने महादेव से अपनी क्षुधा का निवारण करने का निवेदन किया। कई बार मांगने पर भी जब भगवान शिव ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, तब उन्होंने महादेव को ही उठाकर निगल लिया। उनके शरीर से धूम राशि निकली। शिवजी ने उस समय पार्वती जी से कहा कि आपकी सुंदर मूर्ति धुएं से ढक जाने के कारण धूमावती या धूम्रा कही जाएगी। धूमावती महाशक्ति अकेली है तथा स्वयं नियंत्रिका है। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसलिए इसे विधवा कहा गया है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार इन्होंने ही प्रतिज्ञा की थी, जो मुझे युद्ध में जीत लेगा तथा मेरा गर्व दूर कर देगा वही मेरा पति होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ, अतः यह कुमारी हैं। ये धन या पति रहित हैं अथवा अपने पति महादेव को निगल जाने के कारण विधवा हैं। नारद पांच रात्र के अनुसार इन्होंने अपने शरीर से उग्र चंडिका को प्रकट किया था, जो सैकड़ों गिदड़ियों की तरह आवाज करने वाली थी। शिव को निगलने का तात्पर्य है उनके स्वामित्व का निषेध। असुरों के कच्चे मांस से इनकी अंगभूषा शिवाएं तृप्त हुई, यही इनकी भूख का रहस्य है। इनके ध्यान में इन्हें विवर्ण, चंचल, काले रंग वाली, मैले कपड़े धारण करने वाली, खुले केशों वाली, विधवा, काक ध्वज वाले रथ पर आरूढ़, हाथ में सूप धारण किए, भूख प्यास से व्याकुल तथा निर्मल आंखों वाली बताया गया है। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सती ने जब दक्ष यज्ञ में योग अग्नि के द्वारा अपने आप को भस्म कर दिया, तब उस समय जो धुआं उत्पन्न हुआ उससे धूमावती विग्रह का प्राकट्य हुआ था। धूमावती की उपासना विपत्ति नाश, रोग निवारण, युद्ध जय, उच्चाटन तथा मारण आदि के लिए की जाती है। शाक्त प्रमोद में कहा गया है कि इनके उपासक पर दुष्ट अभिचार का प्रभाव नहीं पड़ता। संसार में रोग दुख के कारण चार देवता हैं, ज्वर, उन्माद तथा दाह रुद्र के कोप से, मूर्छा, विकलांगता यम के कोप से, धूल, गठिया, लकवा वरुण के कोप से तथा शोक, कलह, क्षुधा, तृषा आदि निरृत्रि के कोप से होते हैं। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार धूमावती और निरृत्रि एक हैं। यह लक्ष्मी की ज्येष्ठा हैं, अतः ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति जीवन भर दुख भोगता है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार धूमावती उग्र तारा ही हैं, जो धूम्रा होने से धूमावती कही जाती हैं। दुर्गा सप्तशती में वाभ्रवी और तामसी नाम से इन्हीं की चर्चा की गई है। ये प्रसन्न होकर रोग और शोक को नष्ट कर देती हैं तथा कुपित होने पर समस्त सुखों और कामनाओं को नष्ट कर देती हैं। इनकी शरण गति से विपत्ति नाश तथा संपन्नता प्राप्त होती है। ऋग्वेद उक्त रात्रि सूक्त में इन्हें सुतरा कहा गया है। सुतरा का अर्थ सुख पूर्वक तारने योग्य है। तारा या तारणी को इनका पूर्व रूप बतलाया गया है, इसलिए आगमों में इन्हें अभाव और संकट को दूर कर सुख प्रदान करने वाली भूति कहा गया है। धूमावती स्थिर प्रज्ञता की प्रतीक है। इनका काक ध्वज वासनाग्रस्त मन है, जो निरंतर अतृप्त रहता है। जीव की दीन अवस्था, भूख, प्यास, कलह, दरिद्रता आदि इसकी क्रियाएं हैं। अर्थात वेद की शब्दावली में धूमावती कद्रु है, जो वृत्तासुर आदि को पैदा करती है।